स्वागत है आप सभी का पत्रिका टीवी में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। एमपी के रन में सीएम शिवराज का धुआंधार प्रचार, विदिशा रायसेन होशंगाबाद में की चुनावी सभाएं, भोपाल में किया रोड शो, निशाने पर रही कांग्रेस। कांग्रेसी दिग्गज ने भी चुनाव में झोंकी ताकत, कमलनाथ सिंधिया दिग्विजय की ताबड़तोड़ सभाएं, कल से दो दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश आएंगे राहुल गांधी। बुंदेलखंड के पैकेज को लेकर कांग्रेस ने शिवराज पर सरकार पर साधा निशाना, हजारों करोड़ रुपए घोटाले का आरोप। 2004 में यूपीए सरकार ने राहत के लिए दिए थे 7,200 करोड़। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शिवपुरी में भरी हुंकार, कहा बीजेपी खत्म करना चाहती आरक्षण। उज्जैन में बोले राजबब्बर, भाजपा के मुंह में राम, बगल में छुरी। और सतना के बिरसिंहपुर में भीषण सड़क हादसा, 8 स्कूली बच्चों समेत 9 की मौत। पीएम मोदी, सीएम शिवराज ने जताया शोक, कलेक्टर ने मुआवजे के साथ जांच के दिए आदेश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए सीएम शिवराज के मैराथन दौरे जारी है। आज मुख्यमंत्री ने विदिशा रायसेन होशंगाबाद जिलों के विधानसभा सीट में पार्टी के लिए वोट मांगे। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा शिवराज विकास करता है तो कांग्रेस को गुस्सा आता है। अस्पताल खोल लो, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी खोल लो, मेरी बहनों बेगमगंज के लिए, इस इलाके के लिए 100 करोड़ के 81 गांवों के लिए समूह पेयजल योजना, मतलब घर घर नल लगा के पाइप से पानी लाके, टोटी वाला नल के टोटी खोलो तो झरझर करके पानी आए, घर में न जाना पड़े, उसकी योजना भी बनाई। विजय तुलना करने की बात कर रहे थे, प्रत्याशियों की करना है तो प्रत्याशियों की करें और विकास की करना है तो विकास की करें। मैं तो आज सुहागपुर वालों से पूछना चाहता हूं, बताइए विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, आप बताइए कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? अरे बोल के बताओ, किए थे क्या? आज विकास में तो गिनाने की जरूरत है क्या? कांग्रेस को विकास से क्या लेना देना? कांग्रेस से कोई सत्ता का सुख होगा है? ये वही कांग्रेस है जिसने मध्य प्रदेश को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया था। कांग्रेस ने 18% ब्याज पर कर्जा दिया था, मैंने घटा के 0 कर दिया, इसलिए कांग्रेस को गुस्सा आता है। जरा दिमाग और दिल से सोचना, कांग्रेस ने कभी समर्थन मूल्य पे बोनस दिया था क्या? अरे बोल के बताओ, दिया था क्या? मैंने 25 साल गेहूं रुकवाया 2,000 रुपया क्विंटल और इस साल में रुकवाऊंगा 2,100 रुपया क्विंटल, भरपूर पैसा किसानों को दूंगा। 15 साल हो गए राजा महाराजाओं के पास कुर्सी नहीं है और ये कुर्सी के बिना जी नहीं सकते। ये शिवराज कहां से कांटा बन के आ गया, 13 साल से यही बैठा हुआ है, कुर्सी की याद सताती है और इसलिए बेचैन होते हैं। ये कुर्सी तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में गलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और मध्य प्रदेश में बीजेपी के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह आगर मालवा में बीजेपी प्रत्याशी मनोहर ऊंटवाल के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और वहां मौजूद किसानों और अन्य लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों को भी निशाने पर लिया और कहा कि बीजेपी देश में विकास की लहर चला रही है और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुँचाना ही सरकार का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर है। बीजेपी कांग्रेस दोनों के स्टार प्रचारकों ने मोर्चा संभाला हुआ है। उज्जैन में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र वशिष्ठ के लिए फिल्म अभिनेता और सांसद राज बब्बर ने वोट मांगे। सभा को संबोधित करते हुए राज बब्बर ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने व्यापम, किसान आत्महत्या, बेरोजगारी को लेकर प्रदेश की शिवराज सरकार को भी आड़े हाथों लिया। राज बब्बर ने दावा किया कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी।
वहीं रतलाम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय बीजेपी नेताओं को राम और राम मंदिर की याद आती है और चुनाव निकलते ही दोनों को भूल जाते हैं। दरअसल बीजेपी एक के बाद एक झूठ बोलने के बाद सत्ता में आई है, जनता से बड़े बड़े वादे भी किए लेकिन पीएम मोदी और सीएम शिवराज ने सारे वादे पूरे नहीं किए। हर साल 2 करोड़ नौकरियां पीएम मोदी ने देने का वादा किया था। देश का पढ़ा लिखा युवा आज भी रोजगार की तलाश में भटक रहा है। कृषि को लाभ का धंधा बनाने वाले सीएम शिवराज के शासनकाल में किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है। बीजेपी नेताओं को लॉलीपॉप देना आता है और ये बात अब जनता समझ गई है, वह भी बदलाव का साथ देने के लिए तैयार है। कि सभी लोग मिलकर काम करें, धर्म के नाम पर दुरुपयोग करते हैं। आज साधु महात्मा भी इनसे नाराज है। साधु महात्मा भी कहते हैं कि हमको हर साल धोखा हुआ। भगवान राम का मंदिर के बारे में भी जब चुनाव आता है तो इन्हें भगवान राम याद आते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो भगवान राम को भूल जाते हैं। सरकार कहती है कि हम अदालत का फैसला मानेंगे और जब दूसरी तरफ पूछा जाता है योगी आदित्यनाथ जी से, वो कहते हैं जब राम जी की मर्जी हो जाएगी तब बन जाएगा। पिपरिया में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंदसौर में किसान की छाती पर गोली चलवाने वाले मुख्यमंत्री खुद को किसान का बेटा बताते हैं। कमलनाथ ने शिवराज सिंह को कलाकार बताया और कहा कि शिवराज सरकार महीने के 30 में से 25 दिन अखबारों में विज्ञापन छपवाती है। जनता की कमाई का 200 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च कर दिया जाता है। कमलनाथ ने कहा कि गांव से लेकर राजधानी भोपाल तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये सब सरकार की शह पर सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की। केवल मेरे पड़ोसी ही नहीं है, बहुत पुराना संबंध है, जब इन बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ था यहाँ से हम गुजरा करते थे और ये बढ़ता हुआ बदलता हुआ पिपरिया देख के खुशी तो होती है, पर आज मैं आपसे कुछ साफ बात करना चाहता हूं। कर लूं? 20 साल से आपने मुझे मौका पिपरिया के विकास का नहीं दिया। 20 साल से आपने मौका नहीं दिया और अगर आपने मौका दिया होता तो आज जो आप मांगे रख रहे हैं इनकी आवश्यकता नहीं होती। 20 साल मैं कितनी दफा यहां आया, निवेदन किया कि आप को मैं छिंदवाड़ा का हिस्सा मानने को तैयार हूं, आप साथ दे दीजिए। पर शिवपुरी में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सभा करके पार्टी के लिए वोट मांगे। सभा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला, साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लिया। मायावती ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों की सरकारों में दलित और पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार से अपना 33वां सवाल पूछा है, जिसमें उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से उनके कार्यकाल का हिसाब मांगा है, साथ ही प्रदेश की बदहाली के लिए शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदार ठहराया है। सीएम शिवराज पर तंज कसते हुए कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज की रैलियों और उसे बनाने का खर्च लगातार बढ़ता गया और उतनी ही रफ्तार से विकास का खर्च भी घटता गया। मामा शिवराज को बताना चाहिए कि उन्होंने 3 साल के कार्यकाल में ऐसा राज ही क्यों किया और क्यों प्रदेश को आर्थिक रूप से बदहाल कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने काला चिट्ठा नाम कुछ आंकड़े भी दिए हैं।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस बागियों को पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। पार्टी के दिग्गज नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी के बाद अब उनके बेटे नितिन चतुर्वेदी को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनके साथ 13 और कार्यकर्ताओं और नेताओं को कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया है। नितिन चतुर्वेदी कांग्रेस से बगावत कर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें छतरपुर की राजनगर सीट से सपा ने टिकट दिया है। जिन और लोगों को कांग्रेस से निकाला गया है उनमें राजेश महतो, अनवरी खातून, लाला जयप्रकाश द्विवेदी, प्रकाश पांडे, पीयूष दीक्षित, अंजना चतुर्वेदी, जगदीश शुक्ला, मनोज भटनागर, संतोष लटोरिया, क्षितिज शुक्ला और विशाल शर्मा और मोहन सिंह बुंदेला शामिल है। सागर में राहुल गांधी की सभा की तैयारियां जोरों से चल रही है। 24 नवंबर को राहुल गांधी सागर में सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी का ये दूसरा सागर दौरा है। राहुल गांधी के दौरे के लिए बड़े मैदान में हेलीपैड बनाया गया है जिस पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग की रिहर्सल की गई। 24 नवंबर को सुबह 11 बजे राहुल गांधी को सागर पहुँचना है। विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आते ही बीजेपी कांग्रेस में स्टार वार शुरू हो गया है। दोनों ही दलों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां सीएम शिवराज विकास के दावों के साथ जनता के बीच में है, वहीं कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी के सहारे सत्ता में आने की उम्मीद है। जारी है सत्ता का संग्राम। जीत के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। कांग्रेस नेता भी बहा रहे हैं पसीना। कहीं आरोपों की बौछार तो कहीं वायरल वीडियो से वार। जी हां, विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान जीत का चौका लगाने के लिए खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, मुख्यमंत्री की मैराथन सभाएं भी जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने विकास के दावों के दम पर जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। इतना पैसा खाते में मैंने डाला है, कभी कांग्रेस ने डाला था क्या? 35 साल 2000 रुपया क्विंटल मैं होंगे तो कभी खरीदा नहीं, कभी देना दिया था बोनस का, और इस साल बताऊंगा 2100 रुपया क्विंटल। और जब अपनी पासबुक सवाल करेंगे सोयाबीन के 500 रुपये क्विंटल डलने वाले, आगे भी कसर नहीं छोड़ूंगा। ये झूठे वादे करके जाएंगे, शिवराज जो कहेगा वो करेगा। एक तरफ जहां सीएम शिवराज के भाषण प्रदेश के विकास पर केंद्रित रहते हैं, तो वहीं कांग्रेस पर भी आरोपों की बौछार की जा रही है। वो कमलनाथ, सिंधिया से लेकर राहुल गांधी तक पर निशाना साध रहे हैं। केवल यही प्रार्थना करता हूं, कांग्रेस आजकल भ्रम जाल फैला रही है, कह रही है ये कर देंगे वो कर देंगे। आजकल तो वो घोषणा कर रहे ये बीमा वो बीमा, जो मांगोगे वही मिलेगा। इनसे अगर कोई कमलनाथ, ज्योतिरादित्य और राहुल गांधी से कहे कि हमें चंदा मामा तोड़ के ला दो, लेकिन हाँ चुनाव के बाद 10 दिन में ला देंगे। इधर बीजेपी के समर्थन में दिग्गज नेताओं के दौरे भी जारी हैं। आगर मालवा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित किया। दतिया में उमा भारती ने सभा की। इस बार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में चौका मारने जा रही है। नहीं, राजस्थान का चौथी बार नहीं है इसलिए राम नाम नहीं है। राजस्थान में हम पक्का जीतेंगे, लेकिन चूंकि यहां पर 2003 से मध्य प्रदेश में भी सरकार है और 2003 से छत्तीसगढ़ में भी सरकार है, इसके में नहीं है। इधर कांग्रेस की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने रतलाम में मोदी सरकार को जुमलेबाजों की सरकार करार दिया।
इधर 15 साल के सत्ता का सूखा साफ करने के लिए कमलनाथ सिंधिया और दिग्विजय सिंह के दौरे भी जारी हैं। का एक विकास का एक नया इतिहास बनेगा। दित्ता छिंदवाड़ा के मतदाताओं पर मुझ पर अधिकार है, आपका उत्तर अधिकार रहेगा। और अगर 28 तारीख को आज से 4-5 दिन बचे हैं, आपने अपनी कमर ठान ली तो कोई शक नहीं कि 12 तारीख को नरसिंहपुर और कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। कि सभी लोग मिलकर काम करें, धर्म के नाम पर ये दुरुपयोग करते हैं। आज साधु महात्मा भी इनसे नाराज है। साधु महात्मा भी कहते हैं कि हमको राज साथ धोखा हुआ। भगवान राम का मंदिर के बारे में भी जब चुनाव आता है तो इन्हें भगवान राम याद आते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो भगवान राम को भूल जाते हैं। वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू ने भी रोड शो किया। कुल मिलाकर प्रचार के आखिरी दौर में दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी कांग्रेस में शह और मात का खेल जारी है। जनता को किसके वादे पसंद आते हैं या किसके आरोपों पर जनता भरोसा करती है, ये कहना तो मुश्किल है, पर मुकाबला जरूर रोचक हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की चिंताएं बढ़ती जा रही है। चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि चुनौती विरोधियों के साथ साथ उन अपनों की भी है, जो कभी साथी हुआ करते थे, कदम से कदम मिलाकर चलते थे, लेकिन अब या तो विरोधी खेमे में पहुंच गए हैं या फिर निर्दलीय के तौर पर मैदान में खड़े हुए हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि कहीं घर के ये विभीषण उनके सत्ता के सपने को चूर चूर ना कर दे। कठिन हुई मिशन 2018 की डगर, पार्टियों को सता रहा बागियों का डर, नाराजगी ने बिगाड़ा सियासी समीकरण, मैदान में डटे सियासत के विभीषण। मध्य प्रदेश में इस बार सत्ता की राह बीजेपी और कांग्रेस के लिए कांटों भरी नजर आ रही है। दोनों के ही लिए सबसे बड़ी मुश्किल वो बागी हैं जो टिकट न मिलने से इस कदर तमतमाए हुए हैं कि निर्दलीय या फिर दूसरे दल से चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। मान मनौवल की तमाम कोशिशों के बावजूद हालात कुछ ऐसे हैं कि बागियों के डर से दोनों ही दलों को सत्ता की कुर्सी अपने से दूर जाती नजर आ रही है। क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, दोनों के ही हाल बेहाल हैं। और डर इस बात का है कि जिस तरह से लंका के विभीषण ने रावण और उसके साम्राज्य का अंत करा दिया था, कहीं उनकी पार्टी के विभीषण भी उनके लिए वही काम न कर दें। अगर बात बीजेपी के विभीषणों की करें तो इनमें सबसे पहला नाम आता है पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता सरताज सिंह का, जिन्होंने टिकट न मिलने पर कांग्रेस का दामन थाम लिया और होशंगाबाद से विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए। बीजेपी में बाबूजी के नाम से जाने जाने वाले सरताज सिंह उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो होशंगाबाद लोकसभा सीट से लगातार सांसद रह चुके हैं और उनका वहां पर अच्छा खासा जनाधार है। दूसरा नाम पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता रामकृष्ण कुसमारिया का है। कुसमारिया टिकट न दिए जाने से पार्टी से कुछ इस कदर बिफरे कि पथरिया और दमोह से निर्दलीय चुनाव लड़ने उतर गए। बीजेपी ने कुसमारिया को मनाने की तमाम कोशिश भी की, लेकिन बाबा नहीं माने तो नहीं माने। और अब बाबा जी के दमोह से चुनाव लड़ने के कारण वित्त मंत्री जयंत मलैया की सीट खतरे में नजर आ रही है। तीसरा नाम है सीएम शिवराज सिंह के साले संजय सिंह मसानी का। संजय सिंह ने टिकट बंटवारे से ठीक पहले बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया और अब वो बालाघाट की वारासिल्ली सीट से चुनावी मैदान में है। चौथा नाम समीक्षा गुप्ता का है। समीक्षा ग्वालियर की पूर्व महापौर हैं और टिकट की आस लगाए बैठी थी, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया।
पांचवा नाम नरसिंहपुर की तेंदुखेड़ा विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक संजय शर्मा का है। टिकट कटने के डर से संजय ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस का हाथ थाम लिया और अब तेंदुखेड़ा से ही हाथ के चुनाव पर चुनाव लड़ रहे हैं। छठवा नाम भिंड से मौजूदा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा का है, जो टिकट कटने के बाद कुछ ऐसे तमतमाए कि हाथी पर सवार हो गए और बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। सातवां नाम पद्मा शुक्ला का है। पद्मा शुक्ला विजय राघवगढ़ से पिछली बार चुनाव लड़ी थी और काफी कम अंतर से संजय पाठक, जो कि तब कांग्रेस में थे, से चुनाव हार गई थी। लेकिन वक्त का पहिया कुछ ऐसा घूमा कि अब संजय पाठक बीजेपी में हैं और राज्य मंत्री हैं। इस बार बीजेपी ने उन्हें विजय राघवगढ़ से उम्मीदवार बनाया है, तो पद्मा शुक्ला भी कांग्रेस में शामिल हो गई और विजय राघवगढ़ से चुनावी मैदान में है। आठवां नाम धीरज पटेरिया का है। धीरज पटेरिया जबलपुर उत्तर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। धीरज भी टिकट न दिए जाने से नाराज हैं। नौवां नाम ब्रह्मानंद रत्नाकर का है। ब्रह्मानंद रत्नाकर को भी टिकट मिलने की आस थी, लेकिन आज टूट दी तो निर्दलीय मैदान में उतर गए। दसवां नाम रमेश सक्सेना का है। रमेश सक्सेना सीहोर सीट से पूर्व विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्हें निर्दलीय सुरेश राय ने हराया था, लेकिन इस बार जब पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने पत्नी उषा सक्सेना को निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में उतार दिया। महेश्वर से मौजूदा विधायक राजकुमार मेव भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। पार्टी ने राजकुमार का टिकट काट दिया तो वो भी निर्दलीय के तौर पर मैदान में कूद पड़े। बीजेपी को टेंशन देने वालों में एक नाम कुसुम महदेले का भी है। हालांकि कुसुम महदेले ने चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन टिकट काटे जाने की नाराजगी वो जता चुकी है, जिससे ये आशंका है कि महदेले भी भीतर ही भीतर पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये तो बात हुई बीजेपी के विभीषणों की, अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में भी ऐसे कई नाम हैं जो विभीषण की भूमिका निभा सकते हैं। इनमें सबसे पहला नाम है प्रेमचंद गुड्डू का। प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी ने उनके बेटे अजीत प्रेमचंद बोरासी को आलोट से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के लिए खतरा बनने वालों में दूसरा नाम है पूर्व कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी का। सत्यव्रत चतुर्वेदी बेटे नितिन चतुर्वेदी को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो सपा की टिकट से नितिन को चुनावी मैदान में उतार दिया। तीसरा नाम है जेवियर मेड़ा का। जेवियर मेड़ा वर्तमान में झाबुआ से विधायक हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतर गए। चौथा नाम वाराश्योनी से मौजूदा विधायक प्रदीप जायसवाल का है, जो टिकट न मिलने के कारण निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात तो साफ है कि विभीषणों की संख्या दोनों ही पार्टियों में है और अब ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि किसकी लंका इन विभीषणों के चलते ढहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, भोपाल। कटनी के विजय राघवगढ़ विधानसभा के बरनम हंगामा गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। आलम यह है कि ग्रामीणों को पीने का पानी तक नसीब नहीं है। इससे नाराज ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव में वोट न डालने का फैसला किया है। गांव की चौपाल पर ग्रामीणों ने बकायदा लिखा है कि अगर उनकी समस्याएं दूर नहीं की जा सकती तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव के इस दौर में लगातार आरोप प्रत्यारोप के साथ ही विरोध का सिलसिला भी जारी है। शाहजहांपुर में भी लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। लोगों का कहना है कि आज भी यहां मूलभूत सुविधाएं नहीं है। यहां पंपापुर डेरे पर ग्रामीणों ने पुलिस का भी विरोध किया और मतदान के बहिष्कार की बात कही। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस हमें परेशान करती है, हमने इसकी शिकायत कई बार IG DIG से की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, इसलिए हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। कटनी के मुड़वारा विधानसभा में EVM के बैलेट यूनिट में सपक्ष प्रत्याशी शशि शेखर की जगह एक एजेंट का फोटो लगा दिखा। आपको बता दें कि EVM मशीनों की स्क्रीनिंग के दौरान ये लापरवाही उजागर हुई है, जिसकी सूचना कलेक्टर KVS चौधरी को दी गई। कलेक्टर ने कहा कि करीब 250 EVM में शिकायतें आई है, जिसे दूर कर लिया गया है।
मैं जब मार्कपुल में चेक करने आया ईवीएम मशीन को, तो मैंने देखा मेरी फ़ोटो की जगह किसी दूसरे की फ़ोटो लगाई गई है। मैंने इसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराई है, और तो आपत्ति दर्ज कराने के बाद उन्हें भी SDM साहब आ रहे हैं, उसमें कार्रवाई है, उसकी पूर्ण रूप से जांच होना चाहिए। इनकी किस तरह से गलती हुई है कि सपाक्स पार्टी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सत्ताधारियों का दबाव है, जिस तरीके से सपाक्स पार्टियों को पब्लिक का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिस तरीके से सपाक्स पार्टी आगे लोगों के मतलब दिलों में राज करने वाली है, ऐसा लग रहा है कि सत्ता कहीं ना कहीं दबाव महसूस में का कि चेहरा बदल देना ये बहुत बड़ी गलती है। इसको मैं पूर्ण जांच की मांग करता हूं कि इसकी जांच कराकर जिसने भी है दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। सतना के बिरसिंहपुर के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 8 स्कूली बच्चे और वाहन चालक की मौत हो गई है, जबकि कई बच्चे घायल भी हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बिरसिंहपुर के लकी कॉन्वेंट स्कूल का वाहन बच्चों को लेकर स्कूल जा रहा था, तभी उज्जैनी मोड़ के पास तेज रफ्तार बस और वाहन में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भयावह था जिसमें भी देखा उसकी रूह कांप उठी। गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर जमकर नारेबाजी भी की। लोगों का कहना है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है, पर स्कूल प्रबंधन और प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर घायलों को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। वहीं जिला प्रशासन ने मृतकों को 2,00,000 और घायलों को 50,000 मुआवजा देने की घोषणा की। साथ ही कलेक्टर ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। खुद CM शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया और कहा कि सतना सड़क हादसे की खबर से मैं स्तब्ध हूँ, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। आज जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है, इसमें जितने मृतक हैं और घायल हैं, सभी के इलाज की घायलों के इलाज की तुरंत व्यवस्था की गई है, उनको जिला अस्पताल में और अन्य जो अस्पताल है वहाँ भेजा गया है। जो मृतक हैं उनके परिजनों को इसमें 2,00,000 रुपए रेड क्रॉस से सहायता राशि हम लोग आज दिला रहे हैं, और जो गंभीर घायल हैं उनको 50,000 रुपए रेड क्रॉस से दिला रहे हैं। इसमें बहुत ही स्पष्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश हैं, और इसको सभी को पालन भी करना होता है कि जो स्कूलों में बच्चों के लाने के लिए जो भी परिवहन की व्यवस्था दी जा रही है उसमें पूरी सुरक्षा का इंतजाम रखा जाए। अभी जो बात सामने आई है कि बोलेरो गाड़ी का ड्राइवर रॉन्ग साइड में चला रहा था, बस अपने राइट साइड थी, बोलेरो गाड़ी का ड्राइवर रॉन्ग साइड चला रहा था, तो ये इन ड्राइवरों को ट्रेनिंग देना, उनको निर्धारित जो संख्या उससे ज़्यादा नहीं बिठालना, ये सारी चीज़ें स्कूल प्रबंधन की जवाबदारी है। तो इसमें अभी एक जांच भी मैंने मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश किए हैं, और जाँच के पश्चात जो बिंदु निकल कर आएंगे उसको निकाल देंगे। गुना में लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उप पंजीयक सहकारिता के दुबे को 1,00,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल संतोष प्रजापति को प्रबंधक का प्रभार सौंपने के लिए उपायुक्त सहकारिता के द्विवेदी ने 2,00,000 की रिश्वत की मांग की थी, वहीं 1,50,000 में प्रभार सौंपने का सौदा भी हो गया था। लोकायुक्त TI कविंद्र चौहान और उनकी टीम ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। विधानसभा चुनाव में पुलिस की व्यस्तता को देखते हुए रीवा के सामुदायिक भवन में पुलिस कर्मियों का मतदान कराया गया। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चला। दोपहर तक करीब 40% तक पुलिस कर्मियों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान के लिए अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें सभी पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया। वहीं मतदान के दौरान कई पुलिस कर्मी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित रह गए। दरअसल वोटर ID कार्ड नंबर का मिलान नहीं होने से उनको बिना वोट डाले ही वापस लौटना पड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद अब लोगों ने जवानों का सम्मान करके उन्हें विदा किया। लोगों को सुरक्षा देने प्रदेश के बाहर से आए जवानों को बेमेतरा जिले में गुलाब के फूल और सम्मान बैच भेंट कर विदा किया गया। दरअसल सुरक्षा बलों की 23 कंपनियों के जवानों को बेमेतरा में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए तैनात किया गया था, जिन्होंने बखूबी अपना फर्ज निभाया। इस मौके पर समाज सेवियों ने असम, त्रिपुरा
और अन्य प्रदेश से आए सुरक्षा बल के जवानों का सम्मान किया और जवानों को बैंड बाजे के साथ विदाई दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए जी जान लगाने वाले सुरक्षा में लगे जवान अब जश्न मना रहे हैं। इन जवानों की जी तोड़ मेहनत के चलते ही इस बार चुनाव में कोई अप्रिय घटना नहीं हो सकी। पूरे राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा बलों की ड्यूटी लगी थी। जवान नक्सल प्रभावित दुर्गम स्थानों से लेकर शहरी इलाकों में तक तैनात थे और अब सुरक्षा के साए में मतदान खत्म हो चुका है, लिहाजा अब सरकार ने जवानों को एंजॉय करने का पूरा मौका दिया और उन्हें रिलैक्स करने के लिए खास इंतजाम भी किए। रायपुर आईजी ने जवानों के मनोरंजन के लिए खास इंतजाम किया था। चुनाव ड्यूटी के बाद इन थके हुए जवानों को वाटर पार्क भेजा गया, जहां इन डीआरजी जवानों ने जमकर रेन डांस किया। आमतौर पर गंभीर रहने वाले ये जवान इस दौरान अलग ही अंदाज में नजर आए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए पत्रिका टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।